फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो अभी मैं आई हूँ किचन में, पुलाव बना रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। और विधि को भी, और विधि के पापा गए हुए हैं गाँव, आपको पता ही है, कल ही वो चले गए थे और विधान अभी सो रहा है। तो बस यही बेस्ट टाइम है जल्दी जल्दी काम निपटाने का। तो सबसे पहले बना लेते हैं पुलाव और करते हैं पेट पूजा, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पर बनने लगा है हमारा पुलाव। तैयारी मैंने कर ली थी, प्याज और टमाटर को पीस लिया था, आलू को काट लिया था और दो हरी मिर्ची को मैंने काटा था। तो बस यहाँ पर मैंने तेल डाला है, उसमें डाला है राई और जीरा, उसके बाद डाल दी है प्याज और प्याज भुन गई है। तो अब इसमें ऐड कर दिए हैं आलू, आलू को भी थोड़ा सा भून लेना है और उसके बाद डालना है हमें मटर। और थोड़ा सा चलाने के बाद इसमें डाल दिया है टमाटर का पेस्ट, अच्छे से इसको चला लेंगे। उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे बेसिक मसाले, तो हल्दी, मिर्ची, धनिया, भुना हुआ थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी मेथी और बस इसको अच्छे से चलाएंगे। चलाने के बाद इसमें ऐड कर देंगे चावल, और चावल डालने के बाद इनको अच्छे से मसाले में मिक्स कर देंगे। उसके बाद ऐड करना है इसमें पानी, तो पानी में एक कटोरी, यदि चावल है तो मैं दो कटोरी पानी यूज करती हूँ और ये पुलाव वाले ही चावल हैं तो इसमें पानी डबल लगता है। और यदि आप ज़्यादा सब्जियां डालकर बना रहे हैं और नॉर्मल चावल में बना रहे हैं तो इसमें पानी कम लगता है, क्योंकि सब्जियां भी पानी छोड़ देती हैं और नॉर्मल चावल थोड़ा सा कम पानी लेते हैं, तो इसलिए। और बस ये पानी मैंने डाल दिया है, नमक भी डाल दिया है। अब रख देते हैं पकने के लिए पुलाव। क्या तो पुलाव बन के हो गया है रेडी, तो आप लोग भी खा लीजिए गरम गरम। तो अब हम दोनों यहाँ पर कर रहे हैं लंच, और बहुत तेज भूख लगाई थी क्योंकि आज हम लोगों ने नाश्ता भी नहीं किया था और लंच करने के लिए भी काफी लेट हो गए थे। और विधान को यहाँ पर लगा दिया है खेल में, क्योंकि उठने के बाद बहुत रो रहा था, चिचड़ा रहा था। हेलो, गुड इवनिंग। और देखो शाम का नजारा, हाँ चल रहा है। लो हम तो पूरा पूरा दिखा रहे हैं। गिर जाएंगे विधान, विधान गिर जाएंगे। मामा क्या गिर जाएंगे विधान? नहीं नहीं विधान, आओ भाई, भैया को ऊपर खड़ा कर दे। आओ भैया कर दे ऊपर। अच्छा आराम से गिर जाओगे। मैं यहाँ पर बच्चों को लेकर आ गई थी ऊपर, क्योंकि अंदर रहते रहते भी ऊप से जाते हैं, थोड़ा सा खुले में आ जाओ, खुली हवा में तो बहुत अच्छा लगता है। और जब ऊपर आए तो बहुत अच्छा व्यू था यहाँ का, आपको देख सकते हैं बिल्कुल जैसा वॉलपेपर में रहती है ना पिक्चर्स, तो बिल्कुल वैसा ही व्यू लगता है हमारे यहाँ ये सबसे ऊपर आकर छत पर देखने पर। तो हम लोगों को इधर आके बहुत अच्छा लग रहा था, मन को एक सुकून सा मिल रहा था। तो अब थोड़ी सी ठंडी कम हो गई है ना, तो शाम का टाइम बहुत अच्छा लगने लगा है घूमने के लिए। अंधेरा सा हो गया था तो अब मैं नीचे आ गई हूँ। और मैंने आज बाल धोए थे सुबह, तो जैसे धोए थे वैसे ही क्लेचर फंसा लिया था और फिर काम में लग गई थी, तो उसके बाद फिर टाइम ही नहीं मिला कि मैं उनको सुलझा लूँ, और फिर इतने उलझ जाते हैं कि सुलझाने में बहुत टूटते हैं। तो मैं हो गई हूँ रेडी और अब जाकर मैं कर ले रही हूँ पूजा।
और पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ सीधी किचन में खाना बनाने के लिए। विधि के पापा भी आ गए हैं और मैंने सुबह केवल पुलाव ही बनाया था, तो अब मैं बना रही हूँ खाना। और खाने में बन रहा है आलू मटर टमाटर की सब्जी और रोटी। तो और आलू मटर टमाटर की सब्जी मेरे यहाँ सभी लोगों को पसंद है, और आलू टमाटर की भी, मतलब जो आलू टमाटर की रसीली सब्जी रहती है ना, तो चाहे वो आलू मटर टमाटर की हो, आलू गोभी टमाटर की हो, या सिर्फ आलू टमाटर की हो, तो हमारे घर में सब लोग बहुत अच्छे से खा लेते हैं। इनको भी पसंद है, विधि को भी पसंद है, तो बस ये सब्जी ऑल टाइम फेवरेट है सबकी। प्याज काट ली है तो यहाँ पर मैंने गैस ऑन कर दिया है, और सबसे पहले ये जो चावल के पापड़ हैं थोड़े से मैं वो निकाल लूँगी। तो अभी तेल गर्म नहीं हुआ है, जब तक हो रहा है तब तक मैं काट ले रही हूँ आलू, उसके बाद मैं पापड़ तल ले रही हूँ। और कढ़ाई में थोड़ा सा तेल ज़्यादा था तो मैं इतने सारे ही तल ले रही हूँ, फिर अभी खा लेंगे और जो बचेंगे तो फिर कल खा लेंगे। पापड़ तल चुके हैं और कढ़ाई अभी गर्म है, तो इसी में मैंने डाल दी है राई जीरा और प्याज डाल दी है, तो प्याज को अच्छे से भून लेना है। प्याज हमारी भुन गई है तो यहाँ पर हम डाल देंगे मसाले, तो वही बेसिक मसाले, हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर, थोड़ी सी मेथी, थोड़ा सा गरम मसाला, यही सब, और बस इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद कर देंगे ऐड आलू और उसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और आलू ऐड करने के बाद ये जब अच्छे से इनमें मसाला मिल जाएगा तो फिर यहाँ पर हम डाल देंगे थोड़े से मटर। आलू पक रहे हैं तब तक हम ये पापड़ उठाकर रख दे रहे हैं डिब्बे में। मटर डाल दिए हैं और उसको मिक्स करने के बाद यहाँ पर डाल दिया है हमने पानी, और साथ ही साथ डाल दिया है नमक। अब हम इसको ढककर रख देंगे पकने के लिए। और यहाँ पर मैं अब टमाटर काट ले रही हूँ, आधी से पक जाएगी सब्जी तो फिर टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर काट के रख दिए हैं और अब मैं लगा ले रही हूँ आटा, क्योंकि सब्जी होगी और तुरंत ही मैं रोटी सेक दूंगी। आटे को बहुत अच्छे से गूंथ के और फिर उस पर थोड़ा सा पानी किंच के, मतलब पानी के छींटे मार के ढक के मैं रख दूंगी थोड़ी देर रेस्ट के लिए, और फिर उसके बाद दोबारा से मसल के मैं रोटी बनाऊंगी। इससे आटा बहुत सॉफ्ट हो जाता है और रोटियां भी बहुत अच्छी बनती हैं। क्या बोल रहे भैया? नाना 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 की आना क्या है ये? अब उसी उसी का खेल करेगा, आपने बता दिया तो। जलने लगी बंद हो गई। लाइट ऑफ, ऑन लाइट ऑन उससे बंद हो जाएगी। बस बस बस, अब बस उसको यही करना है, किचन में आएगा और इसी की जिद करेगा। स्पीड बढ़ा दो स्पीड बढ़ा दो। नहीं बोले चलो, ओके बाय, चलो बाय, चलो जाओ बाय बाय। तो बस सब्जी पक गई आधे से ज्यादा, अब हम ऐड कर दे रहे हैं यहाँ पर टमाटर। आटा अच्छे से फूल गया है तो पानी के छींटे मार गए और इसको फिर से अच्छे से गूंथ ले रहे हैं।
बस सिकने लगी है हमारी गर्मा गर्म रोटियाँ। तो एक रोटी निकाल दी है गाय के लिए और बस दो रोटियाँ बनाकर मैं लगा दूंगी, सबसे पहले थाली और फिर बाकी की रोटियाँ सिकती रहेंगी बाद में, क्योंकि विधि के पापा खाने के लिए बैठ गए हैं और मैं मोस्टली ऐसा ही करती हूँ, जब वो खाने के लिए बैठने लगते हैं तभी मैं रोटियाँ बनाती हूँ, जैसे कि मैं गर्म गर्म रोटियाँ खिला दूँ। सब्जी बन के हो गई है रेडी, धनिया पत्ती भी डाल दी है और अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पर थाली। तो आप लोग भी खा लीजिए खाना, आलू मटर टमाटर की सब्जी, रोटी पापड़ और थोड़ी सी चटनी। और आज की सब्जी सच में बहुत टेस्टी बनी थी, विधि के पापा को और विधि को बहुत पसंद आई थी, और वैसे उनको ये वाली सब्जी अच्छी लगती भी है, तो कुछ कारण ये भी है और कुछ कभी कभी बन भी जाती है अच्छी। विधान का यहाँ पर खेल लगा हुआ है, नए खिलौने मिल गए हैं। वैसे ये विधान के लिए नए हैं, लेकिन ये खिलौने नए बिल्कुल नहीं हैं। जब विधि 4-5 साल की थी तब मैं ये खिलौने लेकर आई थी, तो वो इनसे खेलती थी और फिर उसके बाद मैंने रख दिए थे, तो बस ये अभी दिख गए मुझे तो मैंने निकाल दिए। कभी सोचा ही नहीं था कि ये विधि के छोटे भाई के लिए काम आएंगे इतने सालों बाद। विधि को एनिमल्स की पहचान कराने के लिए लिए थे कि वो समझ सके कि कौन क्या है। बच्चे खेल खेल में ज़्यादा जल्दी सीख जाते हैं इस उम्र में बजाय बुक्स के। और इधर विधि के पापा कर रहे हैं अपना काम, ऑनलाइन वर्क। और विधि को भी अभी चल के दिखाती हूँ कि वो क्या कर रही है, वो भी अपना पढ़ रही है, तो चलो उसको भी देखते हैं। ये YouTube वीडियो से मैथ सीख रही है और साथ ही साथ बुक्स से भी। तो सब लोग लगे हैं अपने काम पर और मुझे भी थोड़ा काम है, मैं वो करूंगी और उसके बाद विधान को सुलाऊंगी और मैं सोऊंगी। तो यहाँ पर मैं कर देती हूँ वीडियो को एंड। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना, जिससे कि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और हम मिलेंगे आपको जल्दी ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।